दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खाने का जो तेल है उसके बारे में कौन कौन से मिथ्स है। मतलब काफ़ी बार ऐसे हमें सुनाई देता है कि ऑयल अपने लिए अच्छे हैं, ऑयल अच्छे नहीं है, ये वाला ऑयल खाइए हार्ट के लिए अच्छा है, वो वाला ऑयल जॉइंट पेन के लिए अच्छा है। काफ़ी सारे राय मिलते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस मार्केट में हैं, डॉक्टर्स भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं, लेकिन आज कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा तो शायद आपको ये सुनकर चौंकना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों ऑयल्स और फैट, ये दो जो चीज़ें हैं ये अलग है, ऐसे काफ़ी बार कहा जाता है, या ऑयल में कम फैट्स रहता है ऐसे कहा जाता है। तो ये जो चीज़ है ये सरासर गलत है, क्योंकि एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। ऑयल मतलब फैट्स, जो चीज़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है उसको ऑयल कहा जाता है, और जो सॉलिडिफाई हो जाती है उसको फैट्स कहा जाता है। इतना ही दोनों में जो कुछ है थोड़ा बहुत अंतर है। इसके अंदर कंपोजिशन में जाएंगे तो फिर वो पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड, ये जो फैटी एसिड्स आते हैं इसके ऊपर वो तय होता है कि इसमें से कौन सा हमारे लिए अच्छा है और कौन सा खराब है। दूसरी बात जो आती है कि ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो ये बात जो है ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक मार्केटिंग का फंडा है। ऑयल जो रहता है, ऑयल में कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता, कोई भी जो वेजिटेबल ड्रिवन ऑयल होता है उसके अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है, जब आप ज़्यादा डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स खाओगे किसी भी ऑयल में। वो ऑयल अगर आप बार बार रीयूज़ करोगे तो उसके अंदर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, वो आपके बॉडी में जाकर फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल को डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देता है। तीसरी बात है कि ऑलिव ऑयल मार्केट में आज की डेट में सबसे अच्छा ऑयल है ऐसे बताया जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, अपने पास जितने भी नज़दीक में कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी फसल उग रही है, वो अपने सेहत के लिए अच्छी रहती है। ऑलिव ऑयल का एक मार्केट काफ़ी अलग ही आ रहा है, उसके अंदर ऑयल के रेट्स पे काफ़ी हायर साइड पे है। दूसरी बात, वो ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। भारत में काफ़ी बार ऐसा होता जाता है कि बाहर से जो मंगाई जाने वाली चीज़ है वो सेहत के लिए अच्छी रहती है, ऐसे काफ़ी बार बताया जाता है। लेकिन आपके नज़दीक में जो भी कोई ऑयल तैयार हो रहा है, जैसे सरसों का हो, मूंगफली का हो, तिल का हो, कोकोनट का हो, ये ऑयल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ध्यान में रखिए कि ऑलिव ऑयल हमेशा ही आपके लिए सूट हो सकता है, ऐसा नहीं। और एक चौथी जो चीज़ है ये ऑयल के मिथ के अंदर, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप काफ़ी सारे तेल एक साथ मिक्स करके खाइए आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखिए, ये वाली चीज़ शायद रिफाइंड ऑयल में सूट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर और अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करके उसको की जाती है। लेकिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, मतलब जो भी कच्ची घानी के ऊपर बनाया हुआ शुद्ध तेल है, लो टेम्परेचर पर बनाया हुआ है, ऐसे तेल कभी भी मिक्स करके ना, क्योंकि हर एक तेल का स्मोक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहता है। दूसरी बात, हर आदमी को हर प्रकार का तेल सूट करेगा ये चीज़ हो नहीं सकती। तो इसलिए अपने प्रकृति के हिसाब से और सीजन के हिसाब से ऑयल खाना ही आपके लिए सही रहेगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।